तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले द ब्रदर्स सन देख के खत्म करी ये एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है जिसके आठ एपिसोड है ये शायद कल ही हुई थी। और मैंने कल रात को बैठकर बैठकर देखने स्टार्ट करा और सच में यार ये सीरीज ने मुझे अच्छा खासा यू नो एंटरटेन करा है मुझे मजा आया इस सीरीज को देखने के बाद डेफिनेटली uh, इस चीज में फ्लॉज है लेकिन ओवरऑल uh, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मजा आया इस सीरीज को देखने के बाद अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है चार्ल्स नाम के एक आदमी की जिसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसके फादर को असिनेट कर दिया जाता है जो कि गैंग रहते हैं और उसके बाद उसको अपनी फैमिली के पास जाना पड़ता है जिनको उनकी फैमिली के ट्रूथ के बारे में यानी सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है उनको नहीं पता होता है कि उनकी फैमिली क्या काम करती है किस तरह से काम करती है और अब चार्ल्स को जाना है और अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो किस तरह से चार्ल्स ये काम करता है क्या कुछ होता है किस तरह की फैमिली के डायनेमिक्स होते हैं किस तरह से वो अपनी माँ और उसके बीच के रिलेशन होते हैं उसके भाइयों के बीच के रिलेशन होते हैं यही सब हमें सीरीज में देखने को मिलता है अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे सीरीज के स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है मैं कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के हैं चार्ल्स किस तरह का बंदा है उसके आसपास के लोग किस तरह के हैं उसकी फैमिली किस तरह की उसके भाई किस तरह के हैं वो सारी चीजें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है तो जिस तरह से इस सीरीज आगे बढ़ती है अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर कर दिए वो सारी चीजें भी मुझे ठीक ठाक लगी क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे इस सीरीज में इन्वेस्ट तो रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं जो कि अच्छी बात है डेफिनेटली इस सीरीज में पॉलिस काफी सारे हैं अगर आप पूरा दिमाग लगा के देखोगे तो इस सीरीज में आपको काफी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जिसको देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये क्या देख रहा हूँ लेकिन फिर भी आप बोर नहीं होते जो कि अच्छी बात है यहाँ पर बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स है वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगे आ, अगर मैं बात करू प्रेड की तो वो भी ठीक ठाक ही है ऑल दो पूरी सीरीज प्रेडिक्टेबल रहती है पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक सीरीज को प्रेडिक्ट कर पाते हो आपको पता होता है कि आगे जाके क्या कुछ होने वाला है लेकिन फिर भी आप बोर नहीं होते और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं सीरीज में जिन पर बात की जा सकती है लेकिन अगर मैं उन पर बात करने गया तो इस दे बैठूंगा और अगर आप अपना पूरा दिमाग नहीं चलाओगे तो वो सारी चीजें नोटिस भी नहीं होंगी बात करूँ एक्टिंग की सब एक्टर से काम काफी अच्छा है फिर चाहे किसी बात करू पर्सनली मुझे सब एक्टर से काम पसंद आया है जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की डायरेक्शन अच्छा डायरेक्टर अच्छा ने जिस तरह से बनाई है डायरेक्टर का काम सराहनीय है और सच वो डायरेक्टर की तारीफ होनी चाहिए जो एडिटिंग है वो मुझे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी ये सीरीज जरूर से काफी लंबी है कुछ पॉइंट्स पे इस जो लेंथ है वो हम फील कर पाते हैं हमें लगता है कि ये सीरीज जरूरत से ज्यादा खिंच रही है जो कि दुरुस्त की जा सकती थी एडिटिंग में। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो ओवरऑल अच्छी है तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज ठीक आपको बोर नहीं होने देतीज करके रखती है इसी कारण से, से तो ये पूरी तरह से रिकमेंडेड है और अगर आप लोगों ने सीरीज देख हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत